दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और लाइक को भी आप दबा दीजिए, जिससे कि जैसे भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पैरेट शेप मास्क बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने ये पेपर लिया है। सबसे पहले हम पैटर्न काटेंगे। तो ये देखिए, ये पेपर हमारा, ये 10 इंची यहाँ से हमारे को लंबाई में चाहिए और 7 इंची इसकी चौड़ाई चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे को चाहिए ये, और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। एक सिंगल फोल्ड किया है हमने, और उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे हम इसको इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे हम सबसे पहले जो है ऊपर निशान लगाएंगे हम। ये देखिए, यहाँ रखना है हमारे को 1 इंची। तो ये हमने जो है चौक से निशान लगा दिया 1 इंच पे, और इसी तरीके से हमारे को जो है नीचे की साइड में हमारे को निशान लगाना है। ये हमारे को लगाना है 1.5 इंची पे। ये हमने 1.5 इंची पे निशान लगाया है। अब दोस्तों, इसको हमारे को स्केल की मदद से ये इसको सीधा कर देना है। ये देखिए, निशान हमने निशान से मिला दिए हैं, और यहाँ हम नीचे से इसको शेप देंगे इस तरीके से। ये निशान पे मिला देंगे हम, गोलाई में बनाना है हमारे को इस तरीके से, और उसके बाद हम ये इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और इसको इसी निशानों पे कटिंग करना है हमारे को जो शेप में है। तो ये देखिए, हमारा ये कट चुका है। तो दोस्तों, ये हमारा पैटर्न कट गया है। अब इसके अंदर हमारे को एक चीज़ और करनी है, क्योंकि हमारे को आँखों के पास से हमारे को बिल्कुल पैरेट शेप चाहिए इसके अंदर, जैसे पैरेट की होती है। तो यहाँ पे हमारे को हमें 1 इंची पे निशान लगाना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसका सेंटर ले लेंगे, ये दोनों को बराबर करके ये सेंटर पे निशान लगाएंगे, और ये हमारा 1 इंच है। तो हमें ये ऊपर से लेना है, और इस तरीके से हमारे को इसकी शेप देनी है, और यहाँ किनारे पे मिला देनी है। तो ये देखिए, हमने शेप बना दी है। अब इसको खोल लेना है हमारे को, सिर्फ एक साइड का वो काटना है, दूसरी साइड का नहीं काटना। तो ये इस तरीके से हमारे को इसी निशान पे कटिंग कर देनी है। ये देखिए, तो दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है ये पैटर्न कट के। अब हम इसके हिसाब से ही कपड़े की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने ये वाइट कलर का कपड़ा ले लिया है, और ये कपड़ा देखिए डबल कपड़ा है। तो इस तरीके से हमारे को रखना है, और पैटर्न को इस तरीके से रख के इसके ऊपर निशान लगा लेना है। तो ये हमारे को चारों तरफ निशान लगाना है इसी तरीके से, ये पैटर्न के चारों तरफ निशान लगाना है जिस शेप में ये पैटर्न कटा हुआ है, और इसको फिर हमें ये कटिंग कर लेना है। ये निशानों पे ही कटिंग करनी है हमारे को। जिस शेप में हमने निशान लगाए उसी शेप में हमें ये कटिंग करनी है। तो ये देखिए, हमारी ये कपड़े की कटिंग हो चुकी है। अब हम आप लोगों को बताएंगे, ये हम कैन पे हम कटिंग करेंगे। हमारे पास जो है ना कैन पड़ी है, तो हम कैन का मास्क बनाएंगे। तो ये देखिए, हम इस पर ये जालीदार कपड़ा होता है समझो, और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये अक्सर करके जो है ना सूटों में लगता है, ये सूटों के ड्रेसों के नीचे लगती है कैन फुलाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों को ये कटिंग करनी है बिल्कुल बराबर करके। दोस्तों, ये जो मास्क हम बनाना सिखा रहे हैं आप लोगों को, ये इसका नाम है पैरेट शेप मास्क। तो ये बाज़ार में बहुत महंगा मिलता हैगा, तो आप लोग घर में इजीली बना सकते हैं आप लोग इसको। तो ये देखिए, हमने ये दोनों चीज़ें हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें इस तरीके से हमारे को इसको सिलाई लगा देनी है। तो सबसे पहले हमारे को इसी तरीके से नीचे लगानी है सिलाई, और कपड़े में भी हमारे को इस तरीके से नीचे लगानी है।
ये देखिए हमारी कपड़े में सिलाई लग गई है। अब हमारे को ये सेंटर जो सिलाई का हमारा सेंटर रहेगा उसको मिला के और इसी शेप में हमारे को ये सिलाई लगानी है एक पैर का मार्जिन लेके। तो ये देखिए ये हमारे को इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन लेना है हमारे को पूरे उसमें। और ये देखिए हमारी एक साइड सिलाई लग चुकी है और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे ये सेंटर में लाके। तो ये देखिए हमने इधर भी दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये हमारी देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको पलट देना है। पलटने के बाद ये हमारा जितना भी फालतू का कपड़ा मार्जिन जो हमने एक पैर का लिया था वो अंदर चला जाएगा और ऊपर से बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो ये हमारे को इस पर लप की सिलाई लगानी है, किनारे की सिलाई जिसे कहते हैं। तो ये हमें बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है इस तरीके से और दूसरी साइड भी हमारे को इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालना बताएंगे आपको किस तरीके से हमें इलास्टिक डालनी है। ये देखिए हमने ये इलास्टिक ली है और ये हमारे को 8 इंच की हमारी इलास्टिक है और यहाँ पे हम इसको गांठ लगा लेंगे इसमें और ऐसे ही हम दूसरी में भी इस तरीके से लगा लेंगे। और यहाँ पे हम एक कपड़ा रखेंगे, छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लिया है हमने और इस तरीके से हमने सिलाई लगाई है इसमें और ऐसे ही हम दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे छोटा सा टुकड़ा लेके, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो है इलास्टिक जाएगा। ये देखिए हमने ये दूसरी साइड भी हो गया हमारा। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से आपको इलास्टिक रखनी है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है आपको। तो ये देखिए हमारा ये फोल्ड हो चुका है और यहाँ पे हमें थोड़ा सा पक्का करके सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमारी इलास्टिक एक साइड की डल चुकी है, दूसरी साइड की भी हम इलास्टिक इसी तरीके से डालेंगे। ये देखिए हमारे को इसी तरीके से हमारे को इस पर भी सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारा ये पूरा रेडी हो गया बिल्कुल एकदम ओके। और ये देखिए मैं पहना के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए परफेक्ट एकदम शेप आई है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।